बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीजेपी के एमएलए नितेश राणे ने एक बहुत बड़ा लिंक बिठा दिया है, एक बहुत बड़ी बात रिवील कर दी है दिशा सालियान एंड सुशांत सिंह राजपूत के इस लिंक्ड मर्डर मिस्ट्री को लेकर। जी हाँ, और ये सारा खुलासा जा जुड़ता है दिशा के फियांसे रोहन राय से। क्या कुछ डिटेल्स है आपको बताऊंगी जरूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको कह दूं कि सब्सक्राइब करना एंड फॉलो करना हमारे चैनल को ना भूलिए। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि एमएलए बीजेपी के जो है नितेश राणे, उन्होंने रिपब्लिक टीवी से एक एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान इस बात को कन्फेस किया, इस बात को कहा कि अगर रोहन राय जो कि दिशा सालियान के फियांसे हैं वो सामने आकर चीजें नहीं बताते हैं तो मैं 100% सामने जाकर सीबीआई को सब कुछ बता दूंगा जो भी मुझे पता है। अब यहाँ पर रोहन राय कैसे सीन में आते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। रोहन राय दिशा सालियान के फियांसे हैं। अगर आपको याद हो तो दिशा के पेरेंट्स ने जब इंटरव्यू दिया था, उनकी मॉम ने, तो ये कहा था कि वो अपने फियांसे के साथ वहां पर रह रही थी और वो बताने गई थी, उनसे मिलने गई थी काम के सिलसिले में भी एंड पर्सनली भी। सो ये जो पार्टी हुई, सो कॉल्ड पार्टी जिसकी खबरें इस वक्त बाहर नहीं है, उस पार्टी में रोहन राय भी मौजूद थे जो कि दिशा के फियांसे हैं। अब उस पार्टी में क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग थे, क्या सच में पार्टी हुई थी या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन रोहन राय के पास है। इसीलिए आप सोचिए कि जिस तरीके से सुशांत के केस में रिया सबसे क्लोजेस्ट लिंक है, क्योंकि आखिर के वक्त तक रिया उनके साथ थी, सिद्धार्थ पिटानी क्लोजेस्ट लिंक है, वैसे ही दिशा सालियान के केस में रोहन राय क्लोजेस्ट लिंक है जो उनके फियांसे हैं। क्या ऐसी चीज हुई कि ये सारी वो जो स्टोरी है वो जिस तरीके से दिखाई जा रही है। नितेश राणे ने इस बात को कहा कि मेरी बात हुई है रोहन राय से एंड उन्होंने मुझे ए टू जेड सब चीजें बताई है। अब आप सोचिए कि रोहन राय उस दिन से लेकर 8 जून से लेकर आज तक की डेट में 3-3.5 महीने होने को आ रहे हैं, इस बंदे का कहीं जिक्र ही नहीं है। क्यों जिक्र नहीं है, क्योंकि इन्हें छुपाया जा रहा है, इन्हें छुपा कर रखा जा रहा है। नितेश राणे ने यह भी कहा कि मैं इसको एज अ पॉलिटिकल मैटर बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, ये एक पॉलिटिकल मैटर नहीं है, बल्कि दो सेलिब्रिटीज जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी है, कैसे ऐसे अचानक से इनका मर्डर हो जाता है खुलेआम दिन दहाड़े, ये जो चीजें हुई है ये सारी चीजें किसी एक पॉपुलर शख्सियत को बचाने के लिए, और इसमें इस पॉपुलर शख्सियत का जो नाम है इसमें और भी बहुत सारे लोग रिवॉल्व करते हैं। ये सारी बात नितेश राणे ने कही है। उन्होंने कहा कि इधर सीबीआई ढूंढ के निकाले रोहन राय को, उनसे बात करें, या फिर रोहन राय को खुद को कांटेक्ट करना चाहिए सीबीआई को एंड उन्हें बतानी चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों मुद्दे हैं ये बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। और मैं आपको बता दूं, नितेश सर ने बिल्कुल श्योरिटी के साथ इस बात को कहा है, 110% ये दोनों केसेस जो है वो जुड़े हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 8 जून को क्या क्या हुआ, ये एक एक सीक्वेंस, एक एक सीरीज जो है वो रोहन के पास है और रोहन को छुपाया जा रहा है। रोहन इज बिन हाइडिंग, खुद भी छुप रहे हैं और छुपाया भी जा रहा है, रोहन को सामने नहीं आने दिया जा रहा। तो इसीलिए अगर रोहन ने आकर ये बातें नहीं बताई, जल्द से जल्द अगर सीबीआई, और अब तक की जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है, मैं आपको बता दूं, नितेश सर का कहना है कि अब तक की जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। हालांकि सीबीआई के रिलेटेड बातें सामने नहीं आ रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई की वो बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और इस केस की तह तक पहुंचकर ही रहेगी सीबीआई। अब आप लोग एज अ व्यूअर मुझे बताइए क्या कुछ आपकी राय है इस पर, बट हां, कहीं ना कहीं ये बात अब खुलकर सामने आ चुकी है कि ये दोनों केसेस में लिंक है जो कि बहुत टाइम से सामने आ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि रोहन राय का सामने आना और या तो सीबीआई का रोहन राय को कॉन्टैक्ट करना जरूरी है, बट नितेश राम ने कहा कि मुझे 100% इंफॉर्मेशन है बहुत सारी चीजों की, सही वक्त आने पर मैं सीबीआई को सब कुछ बता दूंगा अगर रोहन राय सामने नहीं आए। तो अब आप लोग मुझे बताइए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस चीज पर। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।